Redmi Note 7 और Note 7 Pro को फ्लैश सेल में परचेज कैसे करें, ये सबसे बड़ा इशू है अभी, क्योंकि आज Redmi Note 7 का पहला सेल था और मेरे कमेंट सेक्शन में और जो मुझे WhatsApp वगैरह पर मैसेज आ रहे हैं उसमें से ज्यादातर लोगों का कहना है कि 2 सेकंड में ही वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया और वो लोग परचेज नहीं कर पाए। लेकिन मैं उन सब में लकी हूँ, मैं हमेशा से ही लकी रहता हूँ क्योंकि मैं कुछ चीज़ों को फॉलो करता हूँ और हमेशा से फर्स्ट सेल में बुक फोन को कर पाता हूँ। और जैसे कि मैंने कम्युनिटी टैब में एक फोटो भी शेयर कर दिया कि फोन बुक हो चुका है, 8 मार्च को यह फोन हमारे पास आ जाएगा, उसके बाद आपको वीडियोज वगैरह मिलने शुरू हो जाएंगे। तो इस वीडियो में मैं वही ट्रिक टिप्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं जिसकी मदद से मैं हमेशा फोन को बुक कर पाता हूं। और हाँ, ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो पहली बार फ्लैश सेल में बुक कर रहे हैं और मुझे कमेंट करके बोले भाई कुछ मदद कर दो और बताओ कि कैसे बुक करें। यहां पे मैं कोई एक्सटेंशन की बात नहीं करने वाला हूं और मैंने पूरी लाइफ में आज तक कभी भी एक्सटेंशन यूज नहीं किया है किसी भी फ्लैश सेल में फोन को परचेज करने के लिए। तो यहां पे मैं किसी भी एक्सटेंशन के बारे में आपको नहीं बताऊंगा, सिर्फ वही नॉर्मल चीजें आपको बताऊंगा, शेयर करूंगा जो मैं करता हूँ फ्लैश सेल में फोन को बुक करने के लिए। सबसे पहला चीज जो फ्लैश सेल में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है आपका इंटरनेट स्पीड। अगर आपका इंटरनेट स्लो है, अच्छा नहीं है, तो आप फ्लैश सेल में आप जो है नहीं बुक कर पाएंगे, बहुत ही कम चांसेस है कि आपका बुक हो पाएगा। तो आपको हमेशा अपना इंटरनेट स्पीड बढ़िया रखना है यानी कि 2 MB तक का आसपास में रखेगा। आज के जमाने में हर नेटवर्क प्रोवाइडर लगभग जो है उतना MB का स्पीड आपको दे ही देता है। तो अगर आप बुकिंग टाइम पे काम कर रहे हैं तो आप अपना हॉटस्पॉट अगर ऑन करके किसी और को कनेक्शन दे रहे हैं तो मत दीजिएगा, सिर्फ अपने फोन के लिए रखिएगा। या फिर अगर लैपटॉप में दिए हुए हैं तो बस एक ही डिवाइस कनेक्ट दीजिएगा, क्योंकि अगर ज्यादा डिवाइस एक ही फोन से कनेक्ट हो जाएगा तो उसका इंटरनेट स्पीड थोड़ा स्लो हो जाएगा और आपका फ्लैश सेल में फोन बुक नहीं हो पाएगा। तो ये चीज का हमेशा आप ध्यान रखिएगा, इंटरनेट स्पीड अच्छा रखिएगा, 2 MB तो कम से कम जरूर से रखिएगा। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो मैंने पहले भी शेयर की है आपको, कि अगर आप फोन से बुक कर रहे हैं तो अपने फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को जरूर से अपडेट कर लीजिएगा प्ले स्टोर में, और अगर आप लैपटॉप पे गूगल क्रोम से बुक कर रहे हैं तो क्रोम को भी अपडेट कर दीजिएगा ताकि स्पीड जो है वो ज्यादा बेहतर आपको मिल सके, किसी तरह का कोई स्लो वाली प्रोसेस आपका ना हो। अपडेट रहेगा तो ज्यादा फास्ट जो है प्रोसेस अप्लाई होगा और आपका फोन एक बार में बुक हो जाएगा। तो एप्लीकेशन और जो डेस्कटॉप पे क्रोम ब्राउजर है उसे जरूर से अपडेट कर लीजिएगा। तीसरी चीज जो ध्यान में रखने वाली है वो है लॉग इन प्रोसेस। तो अगर आप फोन बुक करने जा रहे हैं तो आपको आधा घंटा पहले ही लॉग इन कर लेना है, चाहे स्मार्टफोन हो या फिर डेस्कटॉप पे हो, दोनों जगह आपको आधा घंटा पहले से लॉग इन करके बैठ जाना है। और साथ ही आपको जो ऑफिशियल पेज होगा Redmi Note 7, Note 7 Pro या Realme 3 का, उससे ओपन करके रख लेना है, और जिस भी डिवाइस को परचेज करना है उसको बेसिकली सबसे पहले ओपन करके रख लेना है। वहां पे आपको टाइमिंग चलता हुआ दिखेगा, सेकंड वाइज जो है टाइमिंग चलता है, जैसे ही टाइम समाप्त होता है वहां बाय नाउ का ऑप्शन आ जाता है, और जैसे ही बाय नाउ का ऑप्शन आता है आपको बाय नाउ पे क्लिक कर लेना है। तीसरा स्टेप जो कि आपको फॉलो करना है वो है, जैसे आप लॉग इन करते हो आधा घंटा पहले, उस समय ही आपको अपना एड्रेस फुलफिल कर लेना है, प्लस जो ATM कार्ड है, डेबिट कार्ड है आपका, उसको वहां पे ऐड कर देना है ताकि पेमेंट टाइम में कोई भी इशू ना हो, क्योंकि रेडमी के आज वाले जो फ्लैश सेल थे उसमें कैश ऑन डिलीवरी का बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं दिया मेरे सिटी में, और बहुत सारे सिटी में भी कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन नहीं दिया था। और रेडमी हमेशा यही करता है, जब भी उनका पहला सेल दूसरा सेल होता है उसमें COD अवेलेबल नहीं कराता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ले सके और उनको डायरेक्ट पेमेंट मिल जाए। तो इसीलिए आपको कार्ड को ऐड कर लेना है, प्लस जो भी एड्रेस आपको वो भी ऐड कर लेना है। अगला स्टेप जो कि मैंने आपको कहा कि बाय नाउ पे क्लिक करना है, जैसे ही बाय नाउ का ऑप्शन आता है तुरंत क्लिक करना है और आपको एड्रेस चूज करना है, और इस समय आपको 4 मिनट या 5 मिनट का समय अब फ्लिपकार्ट देती है, पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। पहले तो जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक कीजिए आपको पेमेंट दे देना है, और अगर नहीं दिए तो आपका कार्ड से गायब हो जाता था, लेकिन फ्लिपकार्ट ने अब ये चीज को ध्यान में रखा है और सिर्फ 5 मिनट का आपको समय देती है कि 5 मिनट में आपको पेमेंट देना है। बाय नाउ करते ही आपको एड्रेस सेलेक्ट करना है, उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आता है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जिसे भी आपको पेमेंट देना है पेमेंट दे दीजिए, और जैसे ही आप पेमेंट कंप्लीट करेंगे आपका ऑर्डर कंफर्म हो जाता है। ये छोटी छोटी बातें मैं हमेशा फॉलो करता हूं और इसी कारण से मैं हर फोन को बुक कर पाता हूं, और उम्मीद है कि आप भी अगर इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आपका ही फोन बुक हो जाएगा, आपका भी कभी भी फोन मिस नहीं होगा, हमसे तो कभी भी फोन मिस नहीं होता है। जरूर से इस चीज़ को फॉलो कीजिएगा, अगर आपका फोन बुक नहीं हुआ है तो जरूर से आपका फोन बुक हो जाएगा। लेकिन हाँ, रेडमी के स्टॉक बहुत कम रहते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा एक्टिव भी रहना पड़ेगा। तो फिलहाल किस वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और कुछ भी बताना हो पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी दबाना ना भूलें। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आपसे विदा लेते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, अप्लाई जरूर कीजिएगा।